ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक फ्रेंड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें मैं तीन कार्ड्स निकालूंगी, एक पास्ट का, एक प्रेजेंट का, एक फ्यूचर का, और फिर हम उसे क्लैरिफाई करेंगे एंड फाइनली हम फिर अपने गाइडेंस निकालेंगे कि एग्जैक्टली अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी रीडिंग जल्दी से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका। और हाँ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आई वुड रिक्वेस्ट ताकि फ्यूचर रीडिंग्स और नोटिफिकेशंस भी आप तक आ सके। सो आई होप फ्रेंड्स कि हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, आप भी वेट कर रहे होंगे। ओके, ऑल राइट। सो कैंसर, हम आपके लिए ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है आपका पास्ट, दिस इज़ योर प्रेजेंट एंड दिस इज़ योर फ्यूचर। सो अब हम इनके लिए क्लैरिफायर भी निकालेंगे। तो सबसे पहला पास्ट का जो कार्ड है वो एक डिफरेंट ही कार्ड आया है फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन का। सो कर्क राशि कुछ ऐसा पीछे हुआ है, पिछले हफ्ते, पिछले एक महीना या पिछला एक साल बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। आपकी जो एनर्जीज हैं, काफ़ी बदलाव आए हैं आपकी लाइफ में, जॉब करियर में भी हो सकता है और लव एंड रिलेशनशिप में भी हो सकता है, हेल्थ वाइज भी हो सकता है। ये आपको पता है कि ये एनर्जी किसकी पिक हुई है और कितनी आप आपसे मैच करेगी, ये आपको देखना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, एक तरह का बदलाव, एक तरह की चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। आइए इसको क्लैरिफाई करते हैं किस तरीके की चेंजेस आए हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। देखिए, कुछ तो ऐसा बदला है जिसकी वजह से अब आपने काफ़ी पास्ट को, अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा है तो अब आप उन चीज़ों से शायद एक तरह से या तो हिस्ट्री में कैंसर राशि बाहर आ रहे थे और आपने अपनी हीलिंग पे बहुत ज़बरदस्त फोकस किया है पास्ट में, या फिर आपकी ये शायद एक जोन ही ऐसा आ गया था कि आपको लगा कि मुझे अब अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए। एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव जो आपकी लाइफ में आया है, ये मुझे पास्ट दिख रहा है आपका। प्रेजेंट में अगर मैं कहूँ तो द फूल का कार्ड आया है। जो भी ये चेंज आया आपकी लाइफ में, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग हुई है आपकी लाइफ में। शायद आप पास्ट ट्रॉमा को, पास्ट चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, ज़िंदगी को एक न्यू चांस, न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं, एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। यस, यू वॉन्ट टू बी इन योर पावर। आप एक डिसीज़न लेके अपनी लाइफ में आगे को बढ़ना चाहते हैं। ये शायद फोर ऑफ वॉन्ड से मुझे दिख रहा है कि कोई कमिटमेंट मैरिज से रिगार्डिंग हो सकता है। हो सकता है कि आप लीप ऑफ फेथ लेकर उस रिलेशनशिप में दोबारा से कोशिश करना चाहते हो। अगर आपने बहुत ट्रॉमेटिक टाइम देखा था तो अब आपको शायद आपका लेसन मिल गया है या उनको मिला है आपके पार्टनर को, एंड यू हैव डिसाइडेड कि लेट्स जस्ट दोबारा से चीज़ों को पैचअप मोड में लेकर आए। तो ये आपकी मुझे एक पास्ट की एनर्जी, सॉरी प्रेजेंट की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि जिसमें आप एक रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले आपने यहाँ देखे तो हीलिंग के बाद अब आपने शायद प्रेजेंट में एक डिसीज़न ले लिया है कि मैं कैसे अब धीरे धीरे आगे बढ़ूँ। एंड फाइनली जो फ्यूचर आपका दिख रहा है, दैट इज़ एक्सपीरियंसिंग। तो मे बी शायद जब आप आगे बढ़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो आप एक शायद कुछ एक नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में। अब वो क्या है देखते हैं। द टावर, द टेन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो, बहुत ही डिफरेंट कार्ड्स आए हैं और जैसे पीछे चलता आ रहा था उससे एकदम डिफरेंट अभी फ्यूचर दिख रहा है मुझे। फ्यूचर में दो चीज़ें हो सकती हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। एक तो जब आप
जो भी प्रेजेंट में डिसीज़न लेंगे उस डिसीज़न के बाद आपको अपनी फैमिली को बहुत ही सपोर्टिवली हैंडल करना होगा। आपको उस काम को बहुत ही मेहनत करके चीज़ों को, कि आप पहले ट्रांसफॉर्मेशन से निकले, देन यू डिसाइडेड समथिंग कि मुझे आगे बढ़ना है, आपने शायद एक न्यू चांस दिया है, बट उस नए चांस को बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से इस्तेमाल करना। नहीं ठीक से करोगे देन ये ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ लेकिन टावर मोमेंट विल कम बैक दिस टाइम। अगर क्योंकि पीछे टावर मोमेंट नहीं दिखा अभी तक, लेकिन अब चांसेस हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पैनिक सिचुएशन आ जाए या कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू आ जाए, कुछ ऐसा थंडरबोल्ट टाइप आ जाए जिसमें आपको शायद समझ ना आए कि मैं कैसे बाहर निकलूँगा इस प्रॉब्लम को, मे बी एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम आ जाए। सो बी वेरी केयरफुल कि डिवाइन आपको क्या एक्सपीरियंस कराना चाहता है कैंसर राशि इन फ्यूचर। आइए देखते हैं क्या है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस फॉर कैंसर राशि, क्या निकलता है टैरो में। तो सबसे पहला कार्ड देखो क्या आया है, लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग। तो डिवाइन आपको शायद धीरे 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 चीज़ें समझाने की बहुत कोशिश कर रहा है और आप समझ भी रहे हैं, तो सच्चाई धीरे 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 बाहर आ रही है, उन चीज़ों को आप समझें। एंड अगला है फेजेस एंड साइकिल्स, तो ये जो भी फेज आपकी लाइफ में धीरे धीरे चल रहा है, एक साइकिल कंप्लीट होता है फिर आप एक नए साइकिल में आते हैं, तो इन इल्यूजन्स जो आपकी लाइफ में जो बने हुए थे उनको भगवान तोड़ता है, आपको रियलिटी से सामना कराता है। कभी कभी हम ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में जीते हैं, हमें लगता है अरे हमारी लाइफ में तो ये होगा ही नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वहीं पर आकर हमारी लाइफ में इल्यूजन्स टूटते हैं। ठीक है, तो ये वाली क्लैरिटी आपकी लाइफ में मुझे आती दिख रही है। सो आई होप फ्रेंड्स रीडिंग आपके साथ मैच की हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, एनर्जी को क्लेम करना, कमेंट करना, बताना क्या ये एनर्जी आपसे मैच की है। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।